खबर भदोही से है। प्रमुख उद्यमी धर्म दानवीर के रूप में विख्यात निखिलेश मिश्र ग्याहा ने सोमवार को प्रमुख समाज सेवी और महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता श्रीकांत मिश्र, ग्राम प्रधान दिलीप मिश्र दिल्लू आदि परिजनों के साथ विकास खंड डीघ के ग्राम पंचायत बैरीबीसा के बैरी, होलईपुर, सुगंधपुर, मधेना, जगापुर मिश्रान समेत कई गांवों के जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया। ग्याहा परिवार के रत्न निखिलेश मिश्र ग्याहा के साथ श्रीकांत मिश्र, विनोद मिश्र, ओम प्रकाश मिश्र, अनिरुद्ध कुमार मिश्र, सभाजीत मिश्र बल्ले गुरु, दिलीप कुमार मिश्र, संजय पारिक मुन्ना मिश्र मौजूद रहे। क्या कुछ कहा है लोगों ने दानवीर के इस कार्य पर, देखिए मिथिलेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय हम विकास खंड डीघ के ग्राम पंचायत बैरीबीसा के प्राथमिक विद्यालय बैरी पे मौजूद हैं। यहाँ दानवीर और धर्मवीर के रूप में विख्यात ग्याहा परिवार के रत्न निखिलेश मिश्र ग्याहा जरूरतमंदों में कंबल का वितरण कर रहे हैं। बैरीबीसा ग्राम पंचायत के दर्जनों गाँव में कंबल वितरण का सिलसिला जो इन्होंने शुरू किया था पिछले वर्ष दिसंबर के महीने से, वो अनवरत इस जनवरी माह में भी जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रमुख उद्योगपति दानवीर और धर्मवीर के रूप में विख्यात निखिलेश मिश्र ग्याहा यहाँ कंबल का वितरण कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जरूरतमंदों की लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है। हालांकि अलग अलग गांवों के हिसाब से वो गांव में खुद पहुंचकर जरूरतमंदों तक कंबल पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। दानवीर धर्मवीर के रूप में विख्यात निखिलेश मिश्र के बारे में बता दें, मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ ही मंदिरों के नवनिर्माण के अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य करते रहे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ मौजूद कुछ गणमान्यों से। वितरण किया गया है, क्या कहेंगे? कहना यही है कि ये तो दानवीर और धर्मवीर है ही, पूरे जिला में, पूरे जिला के बाहर उत्तर प्रदेश में कई मंदिरों का निर्माण किया और गरीबों के लिए कंबल, और गरीबों इनकी तो बहुत सी ऐसी दान योजना चलते रहती है, जैसे कि गरीब लोगों की शादी में, लड़कियों की शादी में 11,000 रुपया और एक साड़ी, और बहुत सा इनका दान चलता है। मैं तो खुद भाग्यशाली हूँ कि जो इनके यहाँ आकर के इसमें सहभागी हो रहा। दान में कोई दिखावा नहीं। दानवीर और धर्मवीर निखिलेश मिश्र ग्याहा अब बैरी पहुंचे हैं। इसके पहले इन्होंने बैरीबीसा ग्राम पंचायत के सुगंधपुर, हुलईपुर आदि गांवों में कंबल का वितरण किया। आप देखिए तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि अचानक रामलीला मैदान बैरी पहुंचे हैं। रामलीला मैदान के पास ये कंबल रखा गया। निखिलेश मिश्र ग्याहा के आने की जानकारी लगते ही, इन गाड़ियों को देखते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों का आगमन भी। आपका नाम? हमारा नाम विवेक कुमार मिश्र मुन्ना, हम दादा के नाती लगते हैं जी जी, और मधेना गांव में कंबल वितरण का कार्यक्रम चालू हो गया है। और हमारे दादाजी पंडित श्री निखिलेश मिश्र ग्याहा दादा द्वारा ये कार्य संपन्न हो रहा है। और जो कंबल है वो हरियाणा से दादाजी डायरेक्ट मंगवाए हैं और बहुत ही वजनी और अति मजबूत है, ताकि लोग पहने और जो ओढ़े तो पूर्ण रूप से रजाई के बराबर काम करता है। कई वर्ष से चल रहा है और हर साल लगभग एक दर्जन गांवों में कंबल वितरण का काम पंडित निखिलेश कुमार मिश्र दादा के कार्यक्रमों द्वारा पूर्ण किया जाता है और हर साल लगभग 1500 कंबल वितरित किया जाता है। पंडित श्री निखिलेश कुमार मिश्र जो हमारे चाचा हैं, हर साल इनके द्वारा जो है गांव के जो है निरीह असहाय लोगों को जो है कंबल वितरण किया जाता है और इनसे भगवान इनकी इच्छाएं गरीब लोगों के प्रति इनका जो है रुझान देख कर बड़ा। आपका शुभ नाम? हर साल की तरह इस साल भी जो हमारे भाई निखिलेश मिश्र
कंबल बांट रहे हैं जी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई साहब। शुभ नाम आपका? मेरा नाम संजय पारिक है जी। और जो निखिलेश कुमार मिश्रा ये जो बड़ा सराहनीय काम कर रहे हैं जी जी, बहुत गरीबों का भला हो रहा है जी। ऐसा पुरुष सदियों में बहुत कम जन्मने को मिलता है जो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है जी जी जी। मैं बहुत आभार इनका जताता हूँ कि ये गरीबों की इतनी सेवा करते हैं जी। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके यहाँ काम करता हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ जी जी जी। बहुत दानी पुरुष देते हैं लेकिन इनके जैसा दानी पुरुष आज तक देखा नहीं जी जी जी। ये हर काम में गरीबों का मदद करते हैं, चाहे किसी का शादी हो, ब्याह हो, सर्दी हो जी। एक्चुअली एक महापुरुष इनको बोला जा सकता है।